अक्सर कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की चाह में 16 सोमवार के व्रत करती हैं, जिसका फल भी उन्हें अति उत्तम मिलता है। लेकिन कई लड़कियां ये नहीं जानती कि ये व्रत कब से शुरू कर सकते हैं और इस व्रत को करने के क्या नियम है। कब और कैसे शुरू करें 16 सोमवार व्रत? क्या है 16 सोमवार व्रत के सही नियम? जानकारी के लिए बता दें कि 16 सोमवार व्रत की शुरुआत हमेशा कृष्ण पक्ष के सोमवार से शुरू होनी चाहिए। तो अब पूरी जानकारी लेते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी से। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा, लाल किताब और वास्तु एक्सपर्ट। आज भी मैं बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं आप सभी के लिए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में और हमारे ज्योतिष में व्रत जो होते हैं वो बहुत ही एक हमारी आस्था से जुड़े हुए होते हैं, जिससे हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है, जिस इष्ट के लिए हम वो व्रत रखते हैं। तो इसमें हमारे जो सोमवार के जो महादेव जी के व्रत हैं और जो उनमें 16 सोमवार के व्रत हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में और हमारे ज्योतिष में एक जगह बना के रखते हैं। वैसे तो हम जिस भावना से उनके ये 16 सोमवार के व्रत रखें हमारी वो मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन ज़्यादा ये अच्छा वर पाने के लिए, हमारा जो जीवन साथी हमें अच्छा मिल जाए उसके लिए ये लड़के और लड़कियां व्रत रखते हैं और जिनसे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और भोलेनाथ जी का उनको पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता है। तो इस पोस्ट के माध्यम से मैं ये बताऊँगा कि वो व्रत का नियम क्या है और वो व्रत कब रखने चाहिए। तो मैं ये आपको सबको बताना चाहूँगा कि जो भी हर महीने की पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब आती है तो शिवरात्रि होती है हर महीने की, तो ये जो हमारे व्रत होते हैं ये भी हम जब कृष्ण पक्ष में सोमवार शुरू होते हैं यानी कि पूर्णिमा के बाद का जब भी कोई पहला सोमवार आता है तो तब से हमें ये 16 सोमवार के व्रत शुरू करने चाहिए, और संक्रांति के बाद भी जब कोई पहला सोमवार आया तो तब से भी हम ये शुरू कर सकते हैं। तो ये उस दिन से शुरू करने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी और आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ योग बनते हैं। मैं अब आपको ये बताऊंगा कि अब वो योग कब और कैसे बन रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 सितंबर से अभी श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, उसके बाद 1 अक्टूबर में जब पूर्णिमा आएगी, 1 अक्टूबर की जो पूर्णिमा आएगी उसके बाद 5 अक्टूबर को जो सोमवार होगा तब से 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट करना, आरंभ करना बहुत ही शुभ योग बनेंगे, क्योंकि तब से सारे ही त्योहारों के ही दिन शुरू होते हैं और हमारे शास्त्रों में उस दिन जब वो महीने में श्राद्ध जो हमारे सर्दियों के जो नवरात्रे भी शुरू होते हैं तो वो उसी महीने में शुरू होते हैं। तो इस बार अगर आप अपने मन में 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो वो 5 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं, जो पूर्णिमा के बाद का पहला सोमवार होगा अक्टूबर महीने में, तब शुरू करना आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। तो 16 सोमवार का व्रत रखने से पहले कुछ नियम होते हैं कि हम जो मन में चाहते हैं वो उसकी पूरी आस्था, उसके लिए पूरे कर्मकंठ होके इस व्रत को रखा जाए, पूरी श्रद्धा से व्रत रखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमें शुभ फल देते हैं और हमें मन वांछित जीवन साथी भी देते हैं भोलेनाथ। और जैसे कि शादी के लिए हमारी हम कुंडली में 7वां भाव देखते हैं जिसके मालक शुक्रदेव हैं, जिनको शुक्राचार्य भी बोला जाता है और वो महादेव के पूर्ण भक्त हैं। तो जब ये 16 सोमवार व्रत रखे जाएँ तो सफ़ेद वस्तुओं का ही भोग भोलेनाथ को लगाया जाए और वो ही ग्रहण भी किया जाए खाने में, तो वो बहुत ही उत्तम योग बनता है। और पूरा दिन सुबह नहा धोकर और पाठ पूजा करके धूप बत्ती कर महामृत्युंजय जाप का मंत्र, ओम नमो शिवाय का मंत्र, ओम नमो शिवाय जितना बोलेंगे आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और इस व्रत में फल खा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ें खा सकते हैं जो दूध से बनी होती हैं, वो खाना बहुत ही शुभकारी होता है। भोलेनाथ जी के ऊपर शहद और दही का मिलाकर उनको भोग लगाना बहुत ही उत्तम रहता है और इस व्रत में नमक नहीं खाना होता बिल्कुल भी।
एक समय का खाना खा सकते हैं, फलहारी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं और सफ़ेद मिठाइयाँ खाना हमारे लिए शुभ होता है। और ये व्रत जब तक चलते हैं, यानी कि 4 महीने ये व्रत चलते हैं, तो आपके उस महीने में सिर्फ एक आपके मन में और आपके बुद्धि में सिर्फ नर्मता होनी चाहिए, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए दुश्मनी, ऐसे भाव बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। सिर्फ भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर अपने अच्छे अच्छे कर्म करके अपने मन में मधुरता, अपनी वाणी में मधुरता और भगवान के जो भी हमारे संस्कार हैं हमारे पूर्वजों के, उसको नियम बनाकर अगर ये व्रत रखे जाएं, तो मैं आपको ये बिल्कुल आपको क्लियर करता हूँ कि आपको मन वांछित फल मिलता ही मिलता है। तो यही थोड़े से नियम इस व्रत के लिए हैं। बाकी भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मैं आशा करता हूँ। अपनी अगली पोस्ट में भी मैं आपके लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर आप भी सुयोग वर की तलाश कर रही हैं, तो 5 अक्टूबर से 16 सोमवार के व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से शुरू कर सकती हैं। व्रत के दौरान वीडियो में बताए गए सभी नियम का पालन करेंगी तो निश्चित ही महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।